विधायक भानु प्रताप शाही ने कांडी प्रखंड के मझिगावा स्थित आश्रम आवासीय विद्यालय में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बिस्तर वाले छात्रावास का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। उसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गान के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया। विधायक श्री शाही ने विद्यालय की समस्याओं को सुना, ताकि वे समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर रहे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से शिक्षक ओम प्रकाश गुप्ता ने विद्यालय में बिजली संकट और चार दीवारी की समस्या को सबसे प्रमुखता से दिया। विधायक शाही ने समस्या को सुनते ही कहा कि मेरी कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले ही हो जाए। यदि नहीं भी हो गया तो मैं सभी से वादा करता हूँ कि समस्या को अवश्य ही कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में इस विद्यालय को लोग एक अच्छे विद्यालय के रूप में जानेंगे। विद्यालय जो छात्रावासों का हमारी छात्राओं का विद्यालय है और यहाँ हमारे छात्राएं पूरे प्रमंडल की आकर के रहती हैं, पढ़ती हैं। काफी असुविधा होता था छात्रावास की कमी के चलते। 2 करोड़ के लागत से 100 बेड का लगभग हम लोग यहाँ छात्रावास आज शिलान्यास किए हैं, और इसकी चार दीवारी नहीं है उसका भी बहुत जल्द आकर के हम लोग शिलान्यास करके इसमें भी काम लगाने का काम करेंगे। और हम लोगों का मकसद है कि ये शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाया जाए। एक विषय जरूर हम लोगों के दिमाग में आया है कि स्थानीय आसपास के लड़कियों का इसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। गरीब गुरबा की लड़कियों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सरकार स्तर पर जरूर हम पहल करेंगे, वार्ता करेंगे, ताकि स्थानीय लोकल लोगों का भी लड़कियों को यहाँ जगह मिले। ये मेरी प्रयास हो।